गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सीबीआई कोर्ट लखनऊ द्वारा बाबरी मस्जिद पर आने वाले फैसले की संभावना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जारी किया अलर्ट, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए निर्देश। सहजनवा थाना क्षेत्र के कनपुरवा रोड पर एक व्यक्ति की मिली लहूलुहान लाश, हत्या की आशंका। एसपी नॉर्थ ने कहा, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर की जा रही है मामले की तफ्तीश। वन विभाग की टीम ने महानगर में दो दुकानों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित जानवरों के अवशेष को किया बरामद। तीन व्यक्तियों को लिया हिरासत में। प्रभागीय वन अधिकारी ने कहा, वन्य जीवों के तस्करी के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। जिले में बांस बल्ली पर बिजली का तार की समस्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। बदलने के लिए दिए 11 करोड़। चीफ इंजीनियर ने कहा, 31 दिसंबर तक बदल दिया जाएगा बांस बल्ली। महापौर ने कहा, सूची बनाए पार्षद, अपने क्षेत्र में कराए कार्य। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 के रोकथाम व 1 अक्टूबर से आयोजित संचारी रोग व दस्तक अभियान की सफलता संबंधित बैठक। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाकर संक्रमितों को होम आइसोलेट के दिए निर्देश। कहा, रोका जाए कोरोना से हो रही मौतों को। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश का हो रहा है चहुमुखी विकास। युवाओं के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी मिल रहा है रोजगार। प्रदेश सरकार द्वारा परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा अवमुक्त होने के पश्चात सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ग्राम प्रधानों के साथ की गई बैठक। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर ग्राम प्रधानों को पीपीआर भरने के दिए निर्देश। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए महापौर सीताराम जायसवाल ने लोगों से की अपील। कहा, करें कोरोना नियमों का पालन, लगाए मास्क, जिससे रोका जा सके कोरोना का संक्रमण। प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की बैठक। उद्योग बंधुओं के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, निराकरण के दिए निर्देश। 21 सितंबर को मोहद्दीपुर के आरकेबीके के पास गोली चलाने के आरोपी 25,000 के इनामी शुभम सिंह बरहज को कैंट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी समेत 11 लोगों को पुलिस अब तक भेज चुकी है जेल। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 163 नए कोरोना संक्रमित मरीज, दो की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 15,440। एक्टिव मरीज हुए 1,578। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म सिटी बनाने के प्रस्ताव पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को दी शुभकामनाएं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, फिल्म सिटी के निर्माण से लाखों युवाओं के प्रतिभा को मिलेगा मंच और रोजगार। जिला पंचायत की बैठक कराने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने अपर मुख्य अधिकारी से की वार्ता, मिला आश्वासन। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भालूटिया मार्केट में लगाए गए कोरोना जांच शिविर। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष ने कहा, कोरोना की जांच से ही तोड़ा जा सकता है संक्रमण। और लगातार हो रही भारी बारिश होने के कारण नदियों का बढ़ा जलस्तर। 26 गांव आंशिक रूप से हुए प्रभावित, एक गांव हुआ मैरुंड। जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य है जारी।